हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए एक बहुत ही सुंदर और खूबसूरत स्लीव डिज़ाइन लेकर के आए हैं। इस स्लीव्स को दोस्तों ओरगामी स्लीव्स बोलते हैं। इसको आप किसी भी पार्टी वेयर कुर्ती में या ड्रेस में या ब्लाउज में अटैच करेंगे, इसका लुक बहुत ही खूबसूरत आएगा। और इस वीडियो में हम आपको इसके बारे में सारा कुछ डिटेल से बताने वाले हैं, तो हमारी इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखें। और दोस्तों, इस वीडियो को हम अब शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ओरिगामी स्लीव बनाने के लिए आपको सबसे पहले लेना होगा एक पेपर। पेपर पर अपने साइज़ के अकॉर्डिंग आप अपनी स्लीव्स की कटिंग कर लें। तो ये हमने अपने पेपर पर एक नॉर्मली स्लीव्स की कटिंग कर रखी है अपने साइज़ के अनुसार। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इस पर मार्किंग करेंगे। और हाँ दोस्तों, ध्यान रहे, आपको अगर ओरिगामी स्लीव्स बनानी है तो सबसे पहले कटिंग आपको पेपर पर ही करनी होगी। अब हम मार्किंग करेंगे। तो मार्किंग दोस्तों, ये आप सेंटर पॉइंट देख रहे हैं बना हुआ है, इस पर अपनी मार्किंग पहले लगा देते हैं। ये हमने अपने सेंटर पॉइंट को सीधा कर दिया है। इसके बाद हम यहाँ पर एक निशान लगाएंगे 2 इंच पर, यानी 2 इंच पर। इसके बाद जो निशान लगाएंगे वो लगाएंगे 1.5 इंच पर, यानी 1.5। इसके बाद दूसरा निशान लगाएंगे हम 1 इंच पर, यानी 1 इंच पर। अब हम अपने ये निशान को और ये निशान को, ये तीनों निशानों को ये वाले निशान से टच कर देंगे। तो दोस्तों, जिस प्रकार से निशान हमने ये तीन लगाए हैं, वैसे ही तीन निशान हम सेम यहाँ पर लगाएंगे। अब हम इनको भी सीधा कर लेंगे। तो ये हमने अपने सारे निशान सीधे कर लिए हैं। इसके बाद हम अपने निशानों को कट करेंगे। कट किस प्रकार से करेंगे, इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना है। ये जो आपका सेंटर वाला निशान है, आपको ये नहीं काटना है। इसके बाद जो आप कटिंग करेंगे, यहाँ पर और यहाँ पर और यहाँ पर करेंगे। और इस चीज़ का आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है, ये सामने का आपका गड्ढा है, इसका ध्यान रखना है ये किस तरफ आएगा, ये हम आपको लास्ट में बताएंगे। अब हम कटिंग करते हैं। सबसे पहले अपनी ये वाली साइड पर कटिंग करते वक्त ये चीज़ का खास ध्यान रखना है कि यहाँ से काटना है। और दोस्तों, इसको पूरा नहीं काटना है, हल्का सा जॉइंट लगा रहने देना है। और इसी प्रकार से हम ये वाले कट को भी काट देंगे। तो दोस्तों, ये हमने अपने कट लगा दिए हैं। इसी प्रकार से हम अपने ये वाले कट भी काट देंगे सेंटर पॉइंट छोड़कर। तो दोस्तों, ये हमने अपने कट लगा दिए हैं। अब हम अपने पेपर को एक कपड़े पर रखकर कटिंग करेंगे। तो दोस्तों, स्लीव्स काटने के लिए हमने ये कपड़ा अपना लिया हुआ है। अब हम अपने पेपर को इस प्रकार से अपने कपड़े के ऊपर रखेंगे। और दोस्तों, इसको जो है पैटर्न को बीच वाले को आपको सीधा रखना है, ना कि टेढ़ा, इस तरीके से नहीं रखना है। पेपर को आपको एकदम सीधा रखना है और पहले एक निशान इस तरह से लगा देना है सेंटर पॉइंट का। ये हमारा सेंटर पॉइंट का निशान हो गया। और सबसे पहले हम इस पर एक पिन लगा देंगे ताकि ये हमारा इधर उधर ना हो। ये हमने अपनी पिन लगा दी है, अब हमारा पॉइंट जो है इधर उधर नहीं हटेगा। इसके बाद हम अपने दूसरे वाले पॉइंट की जो दूरी रखेंगे, यानी गैपिंग, वो 3 इंच पर रखेंगे। ये हमने 3 इंच करने के बाद में यहाँ पर भी एक पिन लगा देनी है। ये पिन लगा दी है हमने। इसके बाद हम दूसरे पैटर्न की दूरी जो रखेंगे वो भी 3 इंच रखेंगे। इसको भी हम 3 इंच पर सेट कर देंगे। तो ये देखिए दोस्तों, ये 3 इंच पर सेट हो गया। इसके बाद इसमें भी हम अपनी पिन लगा देंगे। तो दोस्तों, ये हमने पिन लगा दी। इसके बाद जो हम लास्ट का जो आपका हिस्सा दिख रहा है, इसको हम 2 इंच पर सेट करेंगे। तो ये हमने 2 इंच पर सेट कर दिया है। इसके बाद यहाँ पर भी हम अपनी पिन लगा देंगे। तो दोस्तों, जिस प्रकार से हमने ये 3 इंच 3 इंच 2 इंच, तो इसी प्रकार से हम ये वाले भी सेट कर देंगे। तो ये वाला भी हमने 3 इंच पर सेट कर दिया है। फिर हम इसमें भी पिन लगा देंगे। लास्ट वाला जो पैटर्न है, आपको ये 2 इंच पर सेट करना है, इस बात का आपको खास ध्यान रखना है। और दोस्तों, अगर आप छोटी स्लीव्स काटते हैं तो जहाँ पर हमने 3 इंच रखा है वहाँ पर आप 2.5 इंच, फिर 2 इंच, फिर 1.5 इंच, इस प्रकार से रख सकते हैं।
तो ये हमने अपनी पिन लगा दी है। अब जितने भी हमारे पैटर्न हैं इन पे हम सारे निशान इस प्रकार से सीधे कर लेंगे। इसके बाद दोस्तों हम जैसे कि आप देख रहे हैं अंदर गोलाई हमारी इस प्रकार से आई है, इसमें हम आधा इंच का मार्जिन एक्स्ट्रा देंगे क्योंकि हमने अपनी स्लीव में हाफ इंच का मार्जिन जैसे कि सिलाई करते वक्त आरमोल में चला जाता है वो हमने नहीं रखा है, तो यहाँ पर हम आधा इंच का मार्जिन रख लेंगे। ये हमने हाफ हाफ इंच का मार्जिन देते हुए अपने निशानों को सीधा कर दिया है। इसके बाद ऊपर से हम निशान बिल्कुल पेपर के बराबर में लगाएंगे, इसी प्रकार से इधर भी लगा लेंगे। और दोस्तों अपने पेपर का जैसे हमने यहाँ पर सेम कटिंग कर रखी है वैसे ही सेम निशान लगा देना है। ये हमने निशान दोनों तरफ लगा देने हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ से हम अपना निशान स्टार्ट करेंगे और एक दूसरे से सारे निशानों को टच कर देंगे। यहाँ पर भी हम अपने निशानों को एक दूसरे से टच कर देंगे। और अब हम लगभग डेढ़ डेढ़ इंच या दो दो इंच आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, तो यहाँ पर हम अपने डेढ़ डेढ़ इंच का मार्जिन एक्स्ट्रा रखेंगे। सब तरफ हम डेढ़ डेढ़ इंच का मार्जिन एक्स्ट्रा निशान लगाकर कट कर देंगे। यहाँ पर भी हम अपना डेढ़ इंच पे अंदाजे से निशान लगा देते हैं, आप चाहें तो इसे नाप कर भी लगा सकते हैं। अब हम अपने स्लीव्स की कटिंग कर देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो हम कटिंग करेंगे आधा आधा इंच का मार्जिन देते हुए करेंगे, इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना है। और दोस्तों साथ ही अगर आपने हमारे चैनल यानी रूफ फैशन पॉइंट को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और घंटी के आइकन को क्लिक कर दें ताकि हमारी हर नई वीडियो की अपडेट आपको समय समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों ये तो हो गई हमारी स्लीव्स की कटिंग। इसके बाद आपको क्या करना है, जैसे कि आप ये पैनल देख रहे हैं पैनल के ऊपर की तरफ नोक बनी हुई है, इन पर भी आपको एक एक निशान सीधे कर लेने हैं। ये हमने अपने सारे निशान लगा लिए हैं। इसके बाद हम अपनी पिनों को निकाल कर पेपर को अलग कर देंगे। तो ये हमने अपने पेपर को निकाल दिया है। इसके बाद अब हम अपनी प्लेट से बनाएंगे। तो दोस्तों प्लेट डालने के लिए सबसे पहले आप सेंटर पॉइंट का जो निशान देख रहे हैं, अब हम दूसरे वाले निशान को इस प्रकार से ऊपर वाले निशान को और इस वाले निशान को इस तरह से पकड़ेंगे। दोस्तों ये वाली स्लीव जो है एक बहुत ही सुंदर और बहुत ही खूबसूरत तैयार होने वाली है। इसको आप अपने ब्लाउज में, गाउन में या किसी भी ड्रेस में, पार्टी वियर में पहनकर जा सकते हैं। तो दोस्तों इसको हम प्लेट को इस प्रकार से अपने सेंटर वाले निशान से मिला देंगे। ये हमने इस तरह से अपनी प्लेट्स को सेंटर पर रख दिया है। इसी प्रकार से हम इसके ऊपर एक प्रेस लगा लेंगे। ये हमने अपनी प्लेट्स को प्रेस से एकदम रोक दिया है। अब हम दूसरी वाली प्लेट्स को इस तरीके से यहाँ से पकड़ेंगे और ये वाला निशान जो आप देख रहे हैं इसको इस तरीके से भी पकड़ेंगे और अपनी प्लेट्स को ध्यान रहे इसके ऊपर इस तरीके से लाकर रखना है और बहुत हल्की प्रेस लगानी है आपको। सिर्फ यहाँ तक प्रेस लगानी है। पहली प्लेट्स पर हमने पूरी लगा दी है, दूसरी पर हमने आधी प्रेस लगाई है। इसके बाद हम तीसरी वाली प्लेट्स को इस तरीके से पकड़ेंगे और जो ऊपर का तीसरा वाला निशान है वो शायद नहीं भी आए तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये छोटी प्लेट से साइड में रहती है। दोस्तों एक चीज़ का आपको इसमें खास ध्यान रखना है, जितने भी आपने ये मार्क किए हैं मार्क आप सब एक दूसरे से मिलने चाहिए। तो ये हमने तीसरी वाली प्लेट्स को भी इस तरीके से लगा दिया है और इस पर भी हम थोड़ी सी प्रेस लगाएंगे, सिर्फ नीचे नीचे, ऊपर को हमें प्रेस नहीं लगाना है। तो ये हमारी प्लेट्स तीनों इस तरीके से रुक चुकी हैं। अब हम ये वाली प्लेट्स को इसी तरीके से जैसे हमने ये तीन डाली हैं वैसे हम ये वाली प्लेट से भी लगा देंगे। अभी हम इनको थोड़ा अलग रख देते हैं, इसके बाद इन वाली प्लेटों को सीधा कर लेंगे। ध्यान रहे आपको ये निशान ज़रूरी मिलाना है। अब हम इसी प्रकार से दूसरी वाली प्लेट्स को भी इसके ऊपर रखेंगे और ध्यान रहे ये निशानों का खास ध्यान रखना है आपको, ये मिलने चाहिए। यहाँ पर हम अपनी थोड़ी सी प्रेस लगाएंगे। इसके बाद अपनी तीसरी वाली प्लेट्स को भी इसी प्रकार से बना लेंगे। अब हम अपनी इधर वाली प्लेट से भी इसके ऊपर लाकर रखेंगे। तो ये हमारी दोस्तों सारी प्लेटें एक दूसरे से मिलकर इस तरह से नज़र आएंगी। अब हम यहाँ पर एक सिलाई अटैच कर देंगे। तो दोस्तों सिलाई हम किस तरीके से करेंगे, यहाँ से हम लगभग डेढ़ इंच पीछे से सिलाई स्टार्ट करेंगे और यहाँ तक सिलाई करेंगे ताकि हमारी प्लेटें एक दूसरे से अटैच हो जाएं अच्छी तरह।
तो ये हमारी प्लेटें अटैच हो गई हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ से हम हाफ हाफ इंच का मार्जिन देते हुए बाकी सारा मार्जिन काट देंगे। दोस्तों ये थोड़ा आप देख रहे हैं गोल शेप में आ चुका है। तो दोस्तों ये आस्तीन लगने के बाद में बहुत ही प्यारी आस्तीन लगेगी, गोल अगर आ गया है तो इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम एक 2 इंच चौड़ी पट्टी लेंगे जो इसके नीचे लगाएंगे। तो दोस्तों ये हमने 2 इंच चौड़ी पट्टी सीधी ली हुई है। इस पट्टी को हम इस प्रकार से नीचे रखेंगे और अपनी स्लीव्स को, जैसे हमारी स्लीव्स है ये सीधा भाग है और ये उल्टा भाग है, तो दोस्तों सीधे भाग को हम अपनी पट्टी के ऊपर इस प्रकार से रखेंगे और जितना मार्जिन हमने लिया हुआ है इस पर हम सिलाई लगाएंगे। तो दोस्तों ये हमने अपनी सिलाई कर दी कंप्लीट। इसके बाद हल्के हल्के हम यहाँ पर अपने कट लगा लेंगे क्योंकि ये हल्का सा गोल है तो घूमने में थोड़ी दिक्कत होगी। इसके बाद हम अपनी पट्टी को बाहर की तरफ इस प्रकार से लाएंगे और यहाँ पर हम इतनी चौड़ी सिलाई लगाएंगे, पट्टी को इतना चौड़ा रखेंगे, लगभग हाफ इंच से थोड़ा सा कम है, और इसके ऊपर कन्नी की सिलाई लगाएंगे। तो ये हमने अपनी सिलाई कर दी कंप्लीट। इसके बाद इसकी कन्नी पर भी हम एक सिलाई और लगा देंगे। तो दोस्तों ये हमने अपनी कन्नी की सिलाई लगा दी है। इसके बाद आप देख सकते हैं ये हमारी जैसे नॉर्मल स्लीव्स की कटिंग आरमोल की होती है वैसे ही ये तैयार हो चुकी है और यहाँ पर भी एकदम सीधा आ चुका है। इसके बाद हम आपको इसको और भी ज़्यादा खूबसूरत बनाने के लिए यहाँ पर एक बटन इस प्रकार से लगा देंगे तो ये हमारी स्लीव्स और भी खूबसूरत तैयार हो जाएगी। तो दोस्तों ये हमने अपना बटन लगा दिया है, हमारी स्लीव्स कुछ इस प्रकार से एकदम रेडी है, तैयार है। इसे आप किसी भी ड्रेस में, ब्लाउज में या किसी भी पार्टी वेयर में लगाकर शादी ब्याह में जा सकते हैं। तो अब हम आपको स्लीव्स को कुर्ती या ब्लाउज में किसी में भी अटैच करने का तरीका बता देते हैं। तो यहाँ पर हमने अपना ब्लाउज लिया हुआ है, ब्लाउज का ये हमारा सामने का भाग है और ये पीछे का भाग है। तो स्लीव्स को चढ़ाने के लिए आपको एक चीज़ का और ख़ास ध्यान रखना है, स्लीव्स को इस प्रकार से मोड़ेंगे और ध्यान देना है कि ये हमारा पीछे का बैक है और ये जो गड्ढा देख रहे हैं आप, ये गड्ढा हमेशा आगे की तरफ आता है। तो यहाँ पर आप अगर ध्यान करने के लिए आप अपने यहाँ पर एक कट लगा सकते हैं ताकि आपको ध्यान रहे ये हमारा आगे का हिस्सा है। तो ये हमारी स्लीव का आगे का हिस्सा है। अब हम इसको इस तरीके से पकड़ेंगे और स्लीव्स को उल्टा कर देंगे तो ये अब हमारी स्लीव उल्टी है और ये हमारा जो ब्लाउज़ है सीधा रखा हुआ है। अब हम अपने ब्लाउज के सीधे ऊपर इसको इस प्रकार से रखेंगे और हाफ इंच के मार्जिन से इसको स्टिच करेंगे। और दोस्तों स्टिच करते वक्त आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है, जो ये हमने प्लेट से डाली है कोई भी प्लेट्स आपकी सिलाई के नीचे प्लेट्स बनकर अटैच ना हो, इसको आप इस तरीके से अलग अलग कर लेंगे, यानी इसके नीचे कोई भी प्लेट्स बनकर के सिलाई में अटैच नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों ये देखिए हमारी स्लीव्स कुछ इस प्रकार से अटैच हो चुकी है और स्लीव्स का लुक जो है कुछ इस प्रकार से आएगा। और अब आप इसे बंद करेंगे, किस प्रकार से करेंगे, इसको इस तरीके से पकड़ेंगे और फोल्ड करेंगे और जितना भी आपका बॉडी मेजरमेंट है यहाँ पर एक निशान लगा लेंगे, कितना भी आपका बॉडी मेजरमेंट हो इसका हाफ करके यहाँ पर एक निशान लगाएंगे। जैसे हमारा 12 इंच है तो 12 इंच का हाफ करेंगे यहाँ पर 6 इंच, ये हमने 6 इंच पर निशान लगा दिया। इसके बाद यहाँ से हम अपनी स्टिच कर देंगे, जैसे आपकी नॉर्मली स्लीव्स की स्टिच होती है वैसे ये भी होती है। यहाँ पर आप अपनी फिटिंग का निशान अपने हिसाब से लगा सकते हैं। तो ये देखिए दोस्तों हमारी ओरगामी स्लीव्स बनकर के तैयार हो गई है, इसका लुक बहुत ही खूबसूरत आया है। दोस्तों इसे आप अपने ब्लाउज में या कुर्ती में या पार्टी वेयर ड्रेस में एक बार ट्राई ज़रूर करें। और दोस्तों इसको समझने में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हुई है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों इसी के साथ अगर आपने हमारे चैनल यानी रूफ फैशन पॉइंट को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और घंटी के आइकन को क्लिक कर लें ताकि हमारी हर नई वीडियो की अपडेट आपको समय समय पर मिलती रहे। और दोस्तों हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें और लाइक करें, आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है और दोस्तों इससे हमें हौसला मिलता है ताकि हम आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो ला सकें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में नए डिजाइन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।